आधिकारिक तौर पे कुछ लोग सबको पता ही है कि विधान परिषद में किस तरीके से आवाज उठा रहे थे। जो बिहार की कोई भी दुश्वारी होगी उसको दूर करें। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने विधान परिषद की शपथ ली। आपको बता दें, विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने इन दोनों सदस्यों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी के अलावा कई मंत्री भी समारोह में मौजूद रहे। बता दें कि बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन और मंत्री मुकेश सहनी इसी महीने विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और विनोद नारायण की खाली सीटों पर इन दोनों नेताओं ने चुनाव लड़ा। और आप सुनिए, विधान परिषद बनने के बाद दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आज विधान परिषद का मैं सदस्य शपथ लिया हूं और इसके लिए मैं तहे दिल से पूरे हमारे एनडीए गठबंधन के तमाम टॉप नेतृत्व को मैं आभार व्यक्त करता हूं, खास करके गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का, कि उन्होंने मुझे बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाए हैं, जिसका शपथ लिया हूँ। और मजबूती से जो मुझे दायित्व मिला है, मजबूती से बिहार, पूरे बिहार के लिए, हर जाति धर्म के लिए, 12 करोड़ जनता के लिए और खास करके युवा के लिए मजबूती से मैं काम करूंगा। काम तो ऑलरेडी 2 महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बिहार के मंत्री कैबिनेट में शामिल किए हैं, तो उसके लेके मैं काम 2 महीने पहले से ही कर रहा हूँ। और अभी जो एक शपथ लिया हूँ, तो इसे एक आधिकारिक तौर पे कुछ लोग, सबको पता ही है कि विधान परिषद में किस तरीके से आवाज उठा रहे थे, तो आज मुझे लगता है उनका कहीं ना कहीं उनके सब समझने के लिए उचित होगा, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी को। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का और अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे उन्होंने अपनी जन्मभूमि बिहार में सेवा का अवसर दिया है और मुझे विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया और मैं अब विधान परिषद हो गया हूं। आज मैंने शपथ ले लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर विधान परिषद में जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो करूँगा और पार्टी ने मुझे विधान परिषद के साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता और केंद्रीय चुनाव समिति की जिम्मेदारी भी दी हुई है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभा रहा हूं और जब भी काउंसिल यहां लगेगा तो मैं पूरे काउंसिल के टाइम में यहां पर आकर एक दिन भी गैर हाजिर नहीं रहूंगा और जो मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं वो करूंगा। और मेरी जो एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की तर्जमानी मैं करता हूँ, तो क्या मैं अपने राज्य की तर्जुमानी नहीं कर सकता? तो मैं MLC के नाते भी बिहार के हित में पहले भी आवाज उठाता रहा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी आवाज उठाऊंगा। सुशील मोदी के राज्यसभा जाने और विनोद नारायण झा के विधायक बनने के बाद दोनों सीटें खाली हुई थीं। बता दें, शाहनवाज हुसैन का परिषद सदस्य के रूप में कार्यकाल मई 2024 तक होगा, जबकि मुकेश सहनी का कार्यकाल जुलाई 2022 में खत्म होगा।